हे एवरीवन, वेलकम टू बैक सार प्लानर। तो पिला माने, आमे आज वीडियो रे तुमर जो समेटिव एसेसमेंट वन जहाँकि फोर्थ वीक ऑफ नवंबर मंथ हो जाऊँ बुझी पार्छ ना, तो सेथिरे जो विज्ञान बहर जो भी किसी इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक आसीबो स्पेशल धातु अधातु चैप्टर ताको आज आमे डिस्कस करिबा। तो पिला माने मन रख, तुमर एही समेटिव एसेसमेंट वन रे टोटल केते मार्क परीक्षा हे प्रति सब्जेक्ट अनुजाई ना 50 मार्क परीक्षा हे। मन रख 50 टी एमसीक्यू मार्क हूँ 50। अर्थात पे मैंने सबूक प्रश्न केवल एमसीक्यू आकार आस सब्जेक्ट प्रश्न आसो ना, कि समेटिव एसेसमेंट टू पर पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सहित किसी सब्जेक्ट क्वेश्चन आसो। पे प्रकार जदि अधिक अपडेट पाइप चाहू तो निहत रूपए आम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी, तो तार लिंक क्लिक कर ग्रुप जॉइन हो, तो अधिक अपडेट तुम्हें पाइपर। ओके पे मैंने मन रख, यहाँ हो पार्ट नंबर टू अटे, यहाँ पूर्व ऑलरेडी पार्ट वन सॉरी जा जो मैंने देखी निहत रूपए चैनल प्ले लिस्ट को विजिट कर सेठे पाइज। तो पे मैंने प्रीवियस पार्ट आम एक 20 पर्यटन देखी थे, एक प्रश्न देखा। देख कह पे निम्नत क्योंटी संभव नुहे, आ भितर पे कौटा संभव नुहे। दस्ता पात्र एल्युमिनियम सल्फेट्र द्रवण रखा, तंबा पात्र फेर सल्फेट्र द्रवण रखा, लोह पात्र जिंक सल्फेट द्रवण रखा, एल्युमिनियम पात्र जिंक सल्फेट द्रवण रखा। तो आ भितर पे मैंने कौटा संभव नुहे, आंसर हो पे ऑप्शन डी एल्युमिनियम पात्र जिंक सल्फेट रखा। अच्छा कौन में यहाँ संभव ना, पे समस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, देखिए आंसर किए कौ प्रकार दौ। ये देख पे सीएओ सीएल टू एक कि प्रकार लवण अटे, यहाँ कौ प्रकार लवण, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, आंसर कौन हम? पे आंसर हम ऑप्शन ए अम्लीय, मन रखित कहले पे निम्नोक्त क्यों धातुर जल किंवा बांफ सह रासायनिक प्रतिक्रिया अन्य गुड़िक पृथक अटे। आ भितर पे कौ धातुर जल किंवा बांफ सहित जो रासायनिक प्रतिक्रिया अन्य मानक अलग अटे। चार्ट ऑप्शन दीजिए पे, सोडियम आयरन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन आंसर आसो? आंसर आसो पे ऑप्शन बी आयरन आसो। नेक्स्ट धातु मानक प्रतिक्रियाशीलतार ह्रास क्रम सजाइले क्यों क्रम ठीक हे? ह्रास क्रम अर्थ हो पे आग बड़ तापर छोट तापर आउट छोट तापर आउट छोट ए प्रकार सजा हो पे। पे आंसर हम ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त, अर्थात पे सब जगह ठीक अच्छे। कह पे निम्नोक्त धातु मानक मधुर किए सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील, एठे पे जो चार्टा धातु दिया दिखाई भितर किए अधिक प्रतिक्रियाशील, आंसर पे ऑप्शन ए कॉपर। नेक्स्ट निम्नोक्त क्यों जौगिक गोटे अलग अटे, एठे पे चार्टा दिया कैल्शियम ऑक्साइड पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड आयरन सल्फेट, ता भितर पे मैंने कौटा अलग अटे। पे आंसर आसो ऑप्शन सी एचसीएल, यहाँ अलग अटे अन्य क्योंटी अन्य गुड़िक पृथक अटे। चार्टा पे ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड, कौन आंसर आसो? आंसर आस पे एल टू ओ थ्री, यहाँ हूँ अन्य मान अलग अटे क्योंटी अन्य गुड़िक अलग। देख पे चार्टा ऑप्शन दिया है कौड़ा भितर अलग हे, समस्त पे मैंने कमेंट कर। पे मैंने आंसर आसो ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ अलग हे। निम्न केतेक धातव जौगिक और सेमानकर गणनांक दर्शाई सेतिमधुर क्यों जोड़े ठीक अटे? देख पे मैंने देखी धातव जौगिक और सेमानकर गणनांक, गणनांक अर्थ हो पे मैंने जो तापमात्रा कठिन गोटे तरल में पणत हुए तार गणना कह जाए, तो कौटा ठीक आंसर आसो? आंसर पे मैंने ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट
कहे धातव जौगिक और से स्फुटनांक दृष्टि क्यों जोड़ा ठीक चार्टा ऑप्शन दी पाला धातव जौगिक और से स्फुटनांक स्फुटनांक अर्थ हो पाने तरल अवस्था गैस अवस्था को परिवर्तन होगा तो कौन आंसर आसो पे आंसर हम उपरोक्त समस्त नेक्स्ट धातु निष्कासन पद्धति दृष्टि क्योंटे अलग अटे धातु को पिला जो निष्कासन करने पद्धति दृष्टि आप कौन अलग अटे एल्युमिनियम आयरन सोडियम एंड कैल्शियम कौन आंसर आसो आंसर पे मैंने ऑप्शन बी आयरन बतीस प्रश्न पे देला ए प्रकार रिएक्शन दिखाई आ भितर पे कौटा ठीक अटे देख पे चार्टा ऑप्शन दिखाई कौटा ठीक अटे पे जब सॉलिड ही थी तो एस लिक्विड होते एल गैसेस होते जी ए प्रकार किसी लिखाई तो ऑप्शन एक्स लिखा एस वाई एस तो पे देख एटे एम एन ओ टू हूँ जोटा कि एक्स दिखाई एलुमिनियमटा वाई एम एन एटा हूँ जेड एटा हूँ पी ए प्रकार तो कौट आंसर आसो आंसर आस पे मैंने ऑप्शन बी ओके तो ऑप्शन बी डा हम पे मैंने राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देख कह पे एक्स धातुर वैद्युतिक शोधन पर निम्नत केउटी ठीक अटे वैद्युतिक शोधन पर देख पे मैंने ए प्रकार ऑप्शन दि जाइए आ भर कौटा राइट आंसर आसो देख लो पे समस्त कमेंट करो आंसर हो पे ऑप्शन सी अशोधित एक्स जोटा कि एनोड तार विशुद्ध एक्स कैथोड एक्स एक्स लवण द्रवण विद्युत विश्लेषण ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील धातु मानी क्यों धातु निष्कासन पद्धति अनुसरण कराए कौन आंसर आस मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील धातु मानी क्यों क्यों धातु निष्कासन पद्धति अनुसरण कराए आंसर पे मैंने उभय कार्बन विचारण और उभय धातव विचारण ओके तो ऑप्शन डी हम राइट आंसर नेक्स्ट एटा पे गोटे रिएक्शन दि जाइए एठार पदार्थ गुड़िकर भौतिक अवस्था सठिक क्रमटी लेख मीन आग या लिखा हाँ तपर यहाँ तर या कौन हो पे चिंता कर टे पे सॉलिड तापटा गैस नहीं कि तापटा जो सी टू या गोटे कौन अटे यहाँ पे सॉलिड अटे आ सल्फर डाइऑक्साइड हूँ गोटे गैस अटे तो ये प्रकार आसपार नेक्स्ट क्यों उक्ति सठिक नुहे पे यहाँ चार्टा उक्ति पे मैंने प्रथम दे अधातु गुड़िक विद्युत ऋणात्मक अटति धातु गुड़िक जारण भाव कार्य करती अधातु गुड़िक निरपेक्ष अक्साइड गठन करती ना धातु गुड़िक जलर हाइड्रोजन विस्थापन करती ना कौन आंसर आसो आंसर हो पाला दुई आनटा ठीक यहाँ एक आ चार भूल तेणु राइट आंसर आस ऑप्शन बी नेक्स्ट कैल्शियम पोटासीयम आलुमिनियम और कैटायन एगुड़ गठन पर यथाक्रमे केतोटी लेखाए इलेक्ट्रॉन त्याग करती कौन आंसर आस पे मैंने कैल्शियम पोटासीयम आलुमिनियम कैटायन गठन पर केतोटी लेखाए इलेक्ट्रॉन त्याग करती पे आंसर आसो ऑप्शन डी दुई एक तीन आर दुई आर एक आर तीन ए प्रकार आसो फॉस्फोरस फ्लोरीन सल्फर एनायन गठन पर यथाक्रमे केतोटी लेखाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती कौन आंसर आसो आंसर से पे मैंने ऑप्शन बी तीन एक दुई तो मार्क कर दिए पे मैंने क्यों धातु जोड़ा तापर कुपुर भाई अटंती देख पे मैंने एठारे हल कर दिखाई आप भर कौ दिन धातु तापर कुपुर भाई अटे धातु होकर आंसर पे मैंने मर्कुरी आउ लीड मीन ऑप्शन सी हम राइट आंसर
तो पिला माने देखो एटा लास्ट क्वेश्चन सीना बार को केते थर उत्तर कले मर्क्यूरी मिले आंसर कौन आसो आंसर आस पे ऑप्शन बी दुई थर मन रख सीना बार को दुई थर गरम कले मर्क्यूरी मिले। तो पिला माने ए प्रकार आमर 40 नंबर प्रश्न पर्यंत थाउ नेक्स्ट क्लास आम 41 प्रश्न आलोचना करवा। तो पिला माने जदि वीडियो भल लगी निहत रूप गोटे लाइक कर शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर मन रख प्रतिदिन 6 अधे एएम एवं 8 पीएम रे क्लासेस हो तो समस्त ए समय निजी प्रस्तुत कर क्लास जॉइन करने। ओके पिला माने धन्यवाद।